गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अपना टीचिंग चैनल। फ्रेंड, आज की स्टूडियो में बात कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। और दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं समय दूरी। दोस्तों, यह पार्ट फोर है, पार्ट 3, 2, 1 मैं पहले डाल चुका हूँ। और दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ सके, आप इस तरह के क्वेश्चन को चुटकी में आंसर दे सको। मात्र कुछ सेकंड के अंदर ही उसके लिए होगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बगैर सूत्र के क्वेश्चन सोल्व करने बताया जाएगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ और इजीली फास्टली तरीके से। जिसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन, एक चोर दोपहर 12 बजे एक कार चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग गया। मालिक को चोरी का पता ठीक 1 बजे चला तथा मालिक ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। बताओ मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। एक चोर दोपहर 12 बजे, टाइम क्या है 12, एक कार चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, रफ्तार क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की चाल से भाग गया। इस रफ्तार से चोर भाग रहा है। मालिक को चोरी का पता ठीक 1 बजे चला। मालिक को पता कब चल रहा है, 1 बजे, चोरी करके गया 12 बजे। चलो इसके बाद में है, तो तब मालिक ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। मालिक ने चोर का पीछा कितने के स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करना शुरू कर दिया। बताओ मालिक को चोर कितने बजे पकड़ लेगा। तो क्वेश्चन पे अभी ध्यान देना, लास्ट में क्या बोल रहा है, मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। यहाँ टाइम पूछा कितने बजे, होता कितनी देर में, तो उसका अलग हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, क्वेश्चन पूरा सोल्व कर जाते हैं बट क्वेश्चन के यहाँ जो पूछा जाता है उसको ध्यान में नहीं देते। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान नहीं देते। यहाँ कितने बजे पूछा है, तो कितने बजे टाइम बताना है। ऑप्शन में हमें कन्फ्यूज करने के लिए कई ऑप्शन मिलेंगे जो कि हमें लगेगा कि यह सही है। तो दोस्तों, अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ 12 बजे चोरी करके जा रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक चोर है जो ये चोरी करके भाग रहा है किसी स्पीड से, 12 बजे चोरी करता है 12 बजे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये भाग रहा है। इधर क्या स्पीड से, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों, इसके बाद में मालिक को चोरी का पता 1 बजे चला। मालिक को पता चलता है, ये मालिक है, इसको 1 बजे पता चला, 1 बजे तो पता चला मालिक ने 50 किलोमीटर की चाल से, मालिक ने 50 किलोमीटर की चाल से इसका पीछा करना शुरू कर दिया। मालिक हम यहाँ ना मान करके यहीं मानेंगे, क्योंकि चोर यहाँ से गाड़ी चोरी किया है, तो यहाँ इसको मालिक को पता चलता है, ये मालिक है, इसको पता चला कि 1 बजे इसको पता चला कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है, जो भी है कार है, कार चोरी हो चुकी, तो 1 बजे पता चला, तो ये 50 किलोमीटर की रफ्तार से इसका पीछा करता है। किस स्पीड से, 50 किलोमीटर की स्पीड से प्रति घंटे की स्पीड से। तो दोस्तों, हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो ये चोर था, यहाँ से ये भाग रहा है चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12 बजे भाग रहा है। तो इसमें मालिक को पता चला 1 बजे, कितने घंटे का डिफरेंस है, 12 बजे चोरी की और 1 बजे पता चला, तो मतलब 1 घंटे का डिफरेंस है ना, 12 से 1 का 1 घंटे का डिफरेंस है। तो 1 घंटे में वो कितने दूर जा चुका होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, 1 घंटे में 40 से भाग रहा है। तो यहाँ तक मानो कि 40 किलोमीटर हो गई, तो यहाँ तक ये भाग गया। अब इस मालिक को पता चला कि यार मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है, तो ये कोई भी गाड़ी लेके जा रहा है, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है इसके पीछे। अभी चोर यहाँ है, चोर यहाँ पहुंच गया और मालिक यही है। अब यहाँ से ये 50 की स्पीड से इसका पीछा कर रहा है, यहाँ से इसकी पीछा कर रहा है। तो अब इसमें हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे कि जैसे कि ये 40 किलोमीटर आगे जा चुका जो चोर है, और फिर उसके बाद में इसका पता चलता है मालिक को, इसका डिफरेंस लेंगे,
मालिक को पता चला कितनी दूरी जा चुका चोर, 40 किलोमीटर जा चुका, 1 घंटे बाद पता चल रहा है 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो मालिक इसके 50 की स्पीड से भागेगा। तो चोर जा रहा है 40 की स्पीड से, मालिक जा रहा है 50 की स्पीड से, तो ये थोड़ा तेज जा रहा है ना, तो कितनी कितनी स्पीड तेज जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज जा रहा है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका इसमें भाग लगा देंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये आएगा 4, तो इसका मतलब हो गया 4 घंटे बाद इसको पकड़ लेगा, 4 घंटे बाद यह चोर को पकड़ लेगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ 4 घंटे है ना, हम क्वेश्चन में यहाँ तक सोल्व करने के बाद हम कहाँ गलती करते हैं, हम गलती करते हैं 4 घंटे आगे, हम यहाँ टिक मार देते हैं, जो कि अपना ऑप्शन ये गलत होगा, क्योंकि इसमें पूछा कितने बजे पकड़ लेगा, तो यहाँ 12 बजे, तो ये 12 बजे तो ये था, और 1 बजे इसको पता चला, तो 1 बजे के बाद 4 घंटे लग रहे हैं ना, तो 1 बजे के बाद 4 घंटे कितने होंगे, ये पीएम की बात है, तो एक एक के 4 और जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे, 5 PM को पकड़ लेगा, 5 जो पीएम होंगे सांझ के, जो पीएम होते हैं सांझ को पीएम बोलते हैं, 5 बजे इसको पकड़ लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 5 PM। दोस्तों समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझ में आएगा, जिसके लिए कि आप बने रहें, देखते रहें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, एक चोर ने रात्रि 9 बजे चोरी की और वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा, उसके 2 घंटे बाद सिपाही ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया, तो बताओ वह सिपाही उस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो इसमें क्वेश्चन के यहाँ ध्यान देने वाली बात है कितनी दूरी, दूरी पूछी है कितनी दूरी बाद पकड़ लेगा, ना कि टाइम पूछा है। तो आपको अभी क्वेश्चन समझा देता हूं कि इसमें बोला है कि 9 बजे वो चोरी करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है, 2 घंटे बाद उसको पता चलता है सिपाही को, सिपाही उसके पीछे 2 घंटे बाद भागता है, सिपाही भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसका पीछा करता है, और फिर वह पूछ रहा है कि दूरी कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, कितनी दूरी बनेगी जिसके अंदर वो पकड़ लेगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, 9 बजे चोर भाग रहा है, 9 बजे भाग रहा है चोर है, और जो कितने किलोमीटर स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, और 2 घंटे बाद सिपाही को पता चलता है, तो 2 घंटे में कितना भाग लेगा, 1 घंटे में भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 8 किलोमीटर 1 घंटे में भाग रहा है, तो 2 घंटे में 16 किलोमीटर भाग जाएगा, तो 2 घंटे में भागेगा, 2 घंटे में 16 जा चुका होगा, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर जाने के बाद अब पुलिस उसका पीछा करता है, जो सिपाही है वो किस स्पीड से करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सिपाही पीछा करता है, सिपाही सिपाही की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये 10 की स्पीड से भाग रहा है और चोर भाग रहा है 8 की स्पीड से, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग रहा है, 2 किलोमीटर तेज भाग रहा है, तो तेज जो भाग रहा है 16 किलोमीटर आगे जा चुका, तो 16 किलोमीटर कवर कब करेगा, 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे तो ये 8 घंटे आएंगे, तो 8 घंटे बाद ही पकड़ लेगा, 8 घंटे बाद ही पकड़ लेगा। अब ये आया घंटा पकड़ने का टाइम, तो इसमें पूछा है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, अब अपने ये तो आया घंटा 8 घंटे, यहाँ ऑप्शन में 8 घंटे भी मिल सकते थे, जिसको आप टिक लगा के जल्दी से आ जाते और वो आपका गलत हो जाता, क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है, दूरी पर पकड़ लेगा, दूरी पूछी है, तो यहाँ 8 घंटे बाद पकड़ रहा है सिपाही, किसी स्पीड से भाग रहा है 10 की स्पीड से, तो 8 घंटे बाद पकड़ रहा है और 10 की स्पीड से भाग रहा है, तो 10 का गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर। दोस्तों एक बार फिर से समझा देता हूँ, 9 बजे चोरी करके भाग रहा है 8 की स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जैसे कि चोर यहाँ है, यहाँ से वो भाग रहा है 8 की स्पीड से, 2 घंटे बाद उसको मालिक को पता चलता है, तो 1 घंटे में तो 8 किलोमीटर यहाँ पहुँचेगा और अगले घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ 8 घंटे, यहाँ 8 किलोमीटर, ये तो ये कितने किलोमीटर हो गए, 16 किलोमीटर। अब सिपाही यहाँ से ही भागना स्टार्ट करता है 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो अब ये तो जा चुका 16 किलोमीटर, और चोर जा रहा था 8 की स्पीड से और सिपाही जाता है 10 की स्पीड से, 2 किलोमीटर तेज जा रहा है, तो 2 किलोमीटर जो तेज जा रहा है वो इसको जल्दी कवर करने के लिए वो करेगा, अगर सिपाही भी 8 से जाता तो कभी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि ये 16 किलोमीटर आगे चल रहा है तो आगे जाता रहता, ये दो
तेज चल रहा है तो 2 किलोमीटर, तेज चल रहा है तो 2 का भाग लगाएंगे, और जो आता है वो अपने घंटे में आएगा, कितने घंटे में पकड़ लेगा, तो ये आएगा 8 घंटे, 8 घंटे में वो पकड़ लेगा। तो 8 घंटे में पकड़ रहा है तो, और सिपाही भाग रहा है 10 की स्पीड से, तो 10 की स्पीड भाग रहा है तो 8 घंटे में पकड़ेगा, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर। तो 80 जो किलोमीटर आएगा वो ये हमसे पूछा है कितनी दूरी में पकड़ लेगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर, जो ऑप्शन सी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ रही होगी, कि उसे समझ में आ रहा है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें क्या है कि एक चोर पुलिस वाले से ठीक 1 किलोमीटर आगे खड़ा है, जैसे ही चोर पीछे मुड़कर पुलिस वाले को देखता है तो तुरंत 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू कर देता है, पुलिस को चोर का 30 मिनट बाद पता चलता है तथा तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू कर देता है, तो बताओ पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक चोर पुलिस वाले से ठीक 1 किलोमीटर आगे खड़ा है, जैसे ही चोर पीछे मुड़कर पुलिस वाले को देखता है, जैसे भाई पुलिस वाले को देखेगा चोर तो भागेगा ही, तो कन्फर्म है, तो कितनी स्पीड से भाग रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू कर देता है, वो पुलिस वाले को देखते 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू कर देता है। अब पुलिस को पता नहीं है, पुलिस को पता चलता है, पता कब चलता है कि ये मेरे सामने चोर था, पुलिस को चोर का पता, चोर का 30 मिनट बाद पता चलता है, पुलिस को 30 मिनट बाद पता चलता है कि यार वो चोर था, उसका उस फिर उसको पकड़ने के लिए पुलिस तथा तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू कर देता है, तो पुलिस 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, तो बताओ पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो इसमें पूछा है कितनी देर में पकड़ लेगा, क्या देरी बतानी, कितनी देर में पकड़ लेगा। अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, जैसे कि ये एक रोड है, ये एक रोड जा रहा है, यहां पुलिस खड़ा है, यहां पुलिस खड़ा है, और यहां से 1 किलोमीटर, यहां यहां तो ये पुलिस हो गया, यहां यहां चोर है, और इसके बीच का डिफरेंस है 1 किलोमीटर का। तो जैसे ही चोर पुलिस पीछे मुड़ के देखता है तो पुलिस दिखाई देती है, पुलिस दिखाई देगी तो ये तो 100% वो भागेगा, तो ये भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, चोर यहाँ से भागता है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये भागना शुरू कर देता है। अब पुलिस को चोर का पता 30 मिनट बाद चलता है, मतलब कि आधे घंटे बाद, तो 10 की स्पीड से ये भाग रहा है, आधे घंटे बाद पता चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा ना, 5 किलोमीटर, क्योंकि 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, आधा किलोमीटर 1 घंटे में 10 जा रहा है तो आधा जाएगा 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर यहाँ तक भाग लेता है, ये 5 किलोमीटर हो गई, यहाँ तक ये चोर भाग जाता है, और अब इसको पुलिस को पता चलता है कि यार ये तो चोर था, इसको पकड़े, तो पुलिस इसका पीछा करती है 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कितने के 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा करती है। तो अब चोर कितना जा चुका, चोर 5 किलोमीटर ये था ना, क्योंकि 10 की स्पीड से जा रहा, आधे मिनट आधा घंटे बाद पता चलता है, तो यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ तक 5 किलोमीटर ये कवर कर जाएगा, 1 किलोमीटर पहले ही इससे आगे खड़ा था, तो ये टोटल कितनी किलोमीटर होगी, 6 किलोमीटर हो गई, ये हो गई 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर इनके बीच में गैप है, और अब इसके बाद में 13 की स्पीड से ये चोर भाग रहा है, और 10 की स्पीड से चोर भाग रहा है, 13 की स्पीड से पुलिस भाग रही है, तो कितने का डिफरेंस है, 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसका डिफरेंट है, तो 3 का इसमें भाग लगा देंगे, 3 का भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 3 × 2 = 6, 2 बार गया, तो 2 घंटे बाद ही पकड़ लेगा। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा था, कितनी देर में पकड़ लेगा, 2 घंटे में पकड़ लेगा, तो अपना ऑप्शन डी है, ये अपना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 घंटे। दोस्तों ये किस वजह से हो रहा है, ये टाइम निकला जो, ये टाइम समय का जो सूत्र होता है, सूत्र ये होता है दोस्तों, ये 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 3 किलोमीटर, क्योंकि 3 से ज़्यादा बाहर है ना, तो 3 किलोमीटर ये होगी, तो 2 घंटे बाद ही पकड़ लेगा, तो अपना आंसर डी है, 2 किलोमीटर 2 घंटा, ये अपना आंसर हो जाएगा।
दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आप इसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, एक चोर सुबह 7 AM बजे 7 की सुबह बजे बाइक चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग गया। मालिक को चोरी का पता ठीक 2 घंटे बाद चला। मालिक ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा कर दिया। बताओ मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, तो कितने बजे पकड़ लेगा, तो यहाँ पूछा है कितने बजे। दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक चोर सुबह 7 बजे बाइक चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग गया। मालिक को चोरी का पता ठीक 2 घंटे बाद चला। मालिक ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा कर दिया। बताओ मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि 7 बजे बाइक चोरी की इसने चोर ने और ये 7 बजे से भाग रहा है कितने किलोमीटर की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर भाग रहा है। 7 बजे चोरी की इसने सुबह कर दिया इसने काम और 50 की स्पीड से भाग रहा है, तो 2 घंटे बाद इसको पता चलता है मालिक को, तो 2 घंटे में 1 घंटे में जा रहा है 50, 2 घंटे में कितना जा चुका होगा, 2 घंटे में 100 किलोमीटर जा चुका होगा, 100 किलोमीटर कि इसने यहाँ पहुँच गए अब चोर, यहाँ यहाँ से यहाँ पहुँच गए, 100 किलोमीटर एरिया कवर कर चुका, तो अब इस मालिक को पता चलता है, तो मालिक भागता है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मालिक भाग रहा है इसके पीछे यहाँ से। तो अब इसमें डिफरेंट कितना का है, ये चोर तो जा रहा था 50 की स्पीड से, अब मालिक जा रहा है 70 की स्पीड से, तो 20 किलोमीटर के डिफरेंट है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जा रहा है और ये जा चुका 100 किलोमीटर आगे जा चुका चोर। अब इसका और आपको करना है, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। ऑप्शन है अपना ए 12 बजे पकड़ लेगा, ये ऑप्शन बी है 1 PM पे, और ऑप्शन सी है 11 AM पे, और ऑप्शन डी है 9 AM पे। ये अपने ऑप्शन है, इसके आधार पे आपको आपको जो मैंने पहले बताया था उसके आधार पे इसको सोल्व करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे लगभग आधा क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर दिया, आधा आप सोल्व करके बताना। मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता इस वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन है, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान है उसको भी दबाइए। और दोस्तों बताना है कमेंट द्वारा बताना कि यह वीडियो कैसी लगी, और प्लीज फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।